नमस्कार किसान भाइयों, आज का मंडी भाव YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम आपको आज बताने वाले हैं कि सोयाबीन का भविष्य कैसा रहेगा, सोयाबीन को रोके या बेचे। वर्तमान भाव की अगर बात करें सोयाबीन की, तो 5200 से 5700 के बीच में अभी भाव चल रहा है। लेकिन स्रोतों के अनुसार मैंने पाया है कि सोयाबीन में ज़्यादा उछाल इस साल देखने को नहीं मिलेगा। अगर भाव ज़्यादा से ज़्यादा 700 रुपये तक भी जा सकता है। मैं आपको यहाँ पर दो कारण बताऊँगा कि क्यों नहीं जा सकता, और अगर थोड़ा बहुत जा सकता है तो क्यों जा सकता है, उसके भी दो कारण आपको सकारात्मक भी बताऊँगा। तो मैं दो नेगेटिव कारण की अगर पहले बात करूँ तो है भारत में उत्पादन की अधिकता। पिछले साल की अगर बात की जाए तो 118 मीट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन भारत में हुआ था, और इस साल जो हुआ है वो है 120 मीट्रिक टन। तो पिछले साल की तुलना में लगभग 17% अधिक सोयाबीन का उत्पादन हुआ है। और दूसरा कारण है जो भाव नहीं बढ़ने के, वो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी उत्पादन की अधिकता। अमेरिका के स्रोतों के अनुसार दूसरे मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी सोयाबीन की इस साल उत्पादन अधिक हुई है। तो और मैं आपको दो पॉजिटिव कारण बता देता हूँ कि अगर कुछ भाव उछाल आएगा तो क्यों आएगा। तो पहला रीज़न है वो है इस सरकार के द्वारा स्टॉक लिमिट को हटाना। तो पिछले साल सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई थी व्यापारियों के ऊपर कि वो ज़्यादा माल स्टॉक नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो उनके ऊपर छापा पड़ सकता है या उनकी कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। लेकिन इस बार सरकार के द्वारा स्टॉक लिमिट को हटा दी गई है। आप व्यापारी कितना भी स्टॉक कर सकते हैं सोयाबीन का, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो ये भी खुशखबरी किसानों के लिए, क्योंकि वो अधिक से अधिक स्टॉक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा भाव किसानों को मिलेगा। और दूसरा कारण है पाम ऑयल के आयात में कमी। स्रोतों से पता चला है कि पाम ऑयल के रेट में उछाल आया है, इस कारण से व्यापारी पाम ऑयल से दूरी बना रहे हैं। और चूँकि पाम ऑयल खाने में भी हानिकारक है सोयाबीन की तुलना में, और सोयाबीन की तुलना में इसका रेट भी ज़्यादा है, इस कारण से व्यापारी सोच रहे हैं कि हम किसान, भारत के किसान भाइयों से सोयाबीन का स्टॉक करें और फैक्ट्री वालों के पास पहुँचाएँ, और उससे अपना अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमाएँ। इस कारण भी किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है कि सोयाबीन के भाव में थोड़ा उछाल आ सकता है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, धन्यवाद।